जो मध्यान्ह भोजन बना वो आज उसमें कीड़ा पाया गया। हाँ। और जैसे खाना देख ही रहे हैं आप इस तरफ के, कोई भी छात्र छात्रा भोजन नहीं खाए। प्रदेश में हुए कथित पोषण आहार घोटाले की जांच अभी शुरू भी नहीं हुई है कि अब मिड डे मील पर भ्रष्टाचार का पारा चढ़ता जा रहा है। जहां एक सरकारी स्कूल में मिलने वाला मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की शिकायत है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान से भेजे गए चावल को बेचकर खराब चावल बच्चों की थाली में परोसने के आरोप हैं, जिसमें लगातार 3 दिनों से झिल्लियां मिल रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मामला सामने आने पर सर्व शिक्षा अभियान के जिम्मेदारों ने जाँच की बात कही है। मामला है उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक का, जहां पर चिंतराव के सरकारी स्कूल में 3 दिनों से लगातार चावल में झिल्लियां पाई जा रही हैं, जिसके चलते स्कूली छात्र इस खाने को नहीं खा रहे हैं। इस मामले की शिकायत बच्चों ने स्कूल प्रबंधन से की है, लेकिन मिलीभगत के कारण कुछ भी नहीं हो सका, जिसके बाद बच्चों ने वीडियो जारी कर पूरी कहानी बयां की है कि किस प्रकार से जानवरों की तरह भोजन परोसा जा रहा है और शिकायत करने पर स्कूल से निकाल देने की धमकी दी जा रही है। वीडियो के जारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और सर्व शिक्षा अभियान विभाग के जिम्मेदार जांच कराने की बात कह रहे हैं। विद्यालय चित्राम विद्यालय से हूँ, जो कि हमारे यहाँ खाना अच्छा साफ सुथरा नहीं बनता है। प्रत्येक दिन कीड़ा मसूड़ा पाया जाता है और मेनू विवरण के हिसाब से भोजन नहीं बनता है। चावल के साथ तुअर की दाल सोमवार को बनना चाहिए था, वो नहीं बनता है। परवल मंगलवार को खीर पूड़ी सब्जी तथा कड़ी बननी थी, वो नहीं बनता है। मेनू विवरण के हिसाब से खाना नहीं बनता है। प्रत्येक दिन दाल हरी सब्जी था, वो भी नहीं बनता है और कीड़ा भी खाने में पाया गया है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, स्थिति तो ठीक नहीं है। आज मुझे ये पता चला है, मैंने संज्ञान में ले लिया है और उस विकासखंड के विकासखंड स्रोत समन्वय को भी मैंने निर्देशित किया है कि जाकर इस स्थिति की जांच करें और वे आज भी मध्याह्न भोजन के समय उपस्थित होकर पूरी कार्यवाही करेंगे और वस्तु स्थिति से मुझे अवगत कराएंगे। अब दोषी पर कार्यवाही करने की मैं कोशिश करूंगी। यदि समूहों का ये कृत्य है तो उन पर कार्यवाही होगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका इस मामले पर क्या विचार है? क्या ये भोजन बच्चों के खाने लायक है? भले ही स्कूल प्रबंधन मामले की जांच करने की बात कह रहा हो, लेकिन 3 दिन तक लगातार चावल में झिल्ली मिलना एक बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उमरिया से आमेश खट्टर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।